इस पूरे पांचों चरणों के चुनाव की प्रक्रिया का अगर आप अध्ययन करें और जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है उससे स्पष्ट हो गया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की वेव नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रकार का मूड है, खासकर देश का नौजवान और किसान और व्यापारी, खासकर छोटे व्यापारी। इन सभी लोगों की जिंदगी इतनी तबाह हुई है पिछले 5 वर्षों में कि भारतीय जनता पार्टी इन पांचों चरणों में, जिसमें लगभग 170 के आसपास उनकी सीटें वोटिंग के लिए गई हैं, आधे से ज्यादा हार जाएंगे वो। नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी और इसका सीधा लाभ जो बीजेपी विरोधी दल हैं, जो संगठन हैं, जो गठबंधन है, उन लोगों को मिल रहा है। भारत के लोग किसी भी तरह के से नरेंद्र मोदी की सरकार से मुक्ति चाहते हैं। चुनाव आयोग एकदम बेईमान संगठन है इस समय, बाकी जो भी नेता हैं उनके आचार संहिता उल्लंघन के ऊपर जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको वो कॉग्निजेंस में ले रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, 6-6 बार उल्लंघन कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनको कोई नोटिस या कोई सजा नहीं दे रहा है। और यही नरेंद्र मोदी जी जा करके बालाकोट के की घटना के नाम पे नौजवानों से वोट मांगते हैं, वो आचार संहिता का उल्लंघन था। जिस तरीके से राजीव जी एक शहीद का उन्हें अपमान किया, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन। जिस तरीके से सेना के जवानों का अपमान किया, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे बहुत सारी हरकतें की हैं, लेकिन चुनाव आयोग एकदम से बेईमान संगठन है। जानबूझ के दूसरी बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल। जो नरेंद्र मोदी जवानों के पराक्रम के नाम पे वोट मांगने निकलते हैं, उनके खिलाफ जब एक जवान जिसने सिर्फ रोटी और दाल की शिकायत की थी और जिसने कहा था कि मुझे अच्छी दाल दे दो, अच्छी रोटी दे दो, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, ऐसे जवान का नॉमिनेशन रद्द करवाते हैं, इसका मतलब इन जवानों से मोदी डरते हैं।